इस वर्ष पूरा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बहुत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए हम सभी मध्यांचल के अधिकारी और कर्मचारी आज इस प्रांगण में एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन एक और महापुरुष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। आज इन दोनों महापुरुषों को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके ऊपर विचार व्यक्त करने के लिए आज हम सभी लोग मध्यांचल के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक श्री संजय गोयल साहब, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, आज इन दोनों ही महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता सी हम करके और अपने घर वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा गांधी में क्या था जिसकी वजह से आज तक उसको यूएन असेंबली में भी उनका सम्मान किया जा रहा है और पूरे दुनिया में उनको जाना जा रहा है, जबकि वो एक साधारण से परिवार में और एक साधारण से व्यक्तित्व के का मतलब घर में बच्चा था। उनके जो परिवर्तन हुआ है व्यक्तित्व में, वो किस तरह से हुआ, मैंने इसको जानने की कोशिश करी। शायद हम लोग उनकी बात तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानने की कभी प्रयास नहीं करते। तो मित्रों, जब वो छोटे थे तो उनको ये लगता था कि हमारे ऊपर, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था और कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी कि उन्हें लगता था कि हमारे देश के नागरिकों का अपमान हो रहा है और अंग्रेजों को यहाँ से जाना चाहिए। तो अपने दोस्तों में बात करते थे जब वो 8-9-10 साल की उम्र के थे, तो उनके दोस्तों ने कहा कि भाई अंग्रेज लोग तो मीट खाते हैं, शराब पीते हैं और उनकी शरीर बहुत मजबूत होते हैं, हम लोगों का शरीर बहुत कमजोर है, हम लोग तो वैसे ही घास फूस खाते रहते हैं, अगर हम ये चीज करें तो हम ताकतवर हो सकते हैं और हमारा देश के लोग उनको भगा सकते हैं। तो ये उनके मन में बिल्कुल बाल मन था, उनके मन में लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने घर से छुपा के, क्योंकि वो एक सनातन धर्मी हिंदू थे और उनके घर में मांस मच्छी का तो कहीं जिक्र नहीं था, दारू का शराब का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने घर से चोरी करके, घर से बता ना बता के ये सब किया। और थोड़े ही दिन बाद उनको ये एहसास होने लगा कि वो गलत कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स को पता नहीं है और वो उनके पैसे चुरा के ले जाते हैं और उसके बाद ये गलत काम कर रहे हैं। तो उनकी जो आत्मिक शक्ति थी वो वहां से 11 साल की उम्र से जागृत हुई कि जब उन्होंने एक पर्चे पे लिख दिया अपने पिताजी के लिए कि ये मुझसे गलती हो गई है और मैंने आपके घर में जो माँ का हमारा कड़ा रखा हुआ था सोने का, उसको बेच के अपनी जुआ और दारू और ये सब चीजों में जो खर्चा मैंने किया था उसका मैंने उधार अपना चुकता कर दिया। तो उनके पिताजी ने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा, बस सिर्फ उनके आंसू निकल आए। तो इस आंसू से उन्होंने कई अर्थ लगाए कि सत्य में इतनी ताकत है कि यहां मुझे पिटाई होनी चाहिए थी, मेरे को सजा मिलनी चाहिए थी, वो सब नहीं हुआ और मेरे पिता ने मुझे सीधे सीधे जो है एक मैसेज दिया है अपने इन हाव भावों को दिखा के कि बेटा सत्य के साथ रहो। और उस दिन उन्होंने प्रण कर लिया कि चाहे कितनी समस्या आए मैं सत्य के साथ रहूंगा। उसके बाद, क्योंकि वो एक ठीक ठाक घर में पैदा हुए थे, उनके माँ बाप के पास पैसा ठीक ठाक था, तो उन्होंने उस समय ये फैशन था कि अगर हिंदुस्तान के कोई आदमी है और वो विलायत में जाके पढ़ ले तो उसका भविष्य बहुत सुदृढ़ होगा। तो इन्होंने जाके बैरिस्ट्री सीखी, ब्रिटेन गए, वहां से लौट के आए, तब तक इनके दिमाग में ये था कि हाँ मैं कोई बिजनेस करूंगा या मैं अपनी वकालत ही करूंगा, क्योंकि वकालत वो बोलते थे मेरे को समझ में कम आती थी, तो मुझे लगा मैं इसमें अपना करियर नहीं बना पाऊंगा। उन्हें किसी ने नौकरी बोला कि साउथ अफ्रीका में नौकरी है, वहां चले जाओ, वो चले गए। वहां जाके जो उनका अगला टर्निंग पॉइंट है वो वहां पर आता है, क्योंकि वहां उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानियों के ऊपर जो अत्याचार है वो जितना इंडिया में उससे भी ज्यादा वहां हो रहा है। तो वो अपना काम तो गए भूल और वहां लोगों के साथ बैठ के वो इसकी प्लानिंग करने लगे कि इस गवर्नमेंट से कैसे लड़े कि जिससे हमारे अधिकार हमें वापस मिले, हम आखिर इतने गए भी थे थोड़ी है कि हमें कोई कैसे भी हैंडल कर ले।
यहां से उनकी जो ट्रू लीडरशिप थी वो यहां से पैदा होनी चाहिए, और उनके मन में ये आने लगा कि नहीं, हमको अपने लिए और अपने कपड़ों के लिए और अपने स्टेटस के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने सारी चीजें त्याग दी, वो जो सूट बूट वो पहनते थे वो छोड़ दिए, उसकी जगह वो एकदम खादी में एक दो कपड़े पहन के और एक चप्पल पहन के निकल लेते थे, क्योंकि ये भी प्रेरणा उनको किसी उनके दोस्त ने दी। उसने कहा मुझे बहुत दूर यात्रा करनी है, ये करना है। उन्होंने कहा इतने पैसे कहाँ है तुम्हारे पास? तो बोले पैसे की जरूरत क्या है, मैं दो कपड़े पहनता हूँ सिंपल और थर्ड क्लास में सफर करता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है, एक टाइम का खाना मिल जाए ठीक है, ना मिले उपवास कर लेंगे उस दिन। तो गांधी जी को लगा यार ये बड़ी अच्छी तरकीब है, अगर हम अपनी जरूरतें कम कर लें तो हमको ये सब नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं है कि ये गलत काम करो वो गलत काम करो इसको परेशान करो उसको परेशान करो। तो उन्होंने उठा के अपने को एकदम सादगी का जीवन किया, तो पहला सत्य और दूसरा सादगी। और इस चीज को जब लोगों ने देखा तो अपने आप से वो एक सच्चे नेता बन गए। उसके बाद जब वो लौट के आते, कई साल करीब 15 साल वो रहे होंगे वहां पर साउथ अफ्रीका में, तो वहां से उन्हें इंडिया बुला लिया गया कि भाई जब नाम सुना लोगों ने यार हमारे यहाँ का एक लड़का वहां पर इतनी अच्छी मतलब वो लीडरशिप कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, तो क्यों ना इंडिया में भी जरूरत है हमको उनकी। तो इनको बुलाया गया, कुछ दिन यहाँ पर रहे, तब उनको सही में पता लगा, क्योंकि तब तक वो काफी मैच्योर हो गए थे, तब उनकी समझ में आया कि यार वाकई यहाँ पर भी हिंदुस्तानियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे यही काम करना चाहिए। तो उनका जो पहला आंदोलन शुरू हुआ वो चंपारण बिहार में हुआ, जहां पर गरीब किसानों के साथ अंग्रेजों ने इतनी मतलब वो कर रखी थी कि उन्हें जीना मुश्किल था, मतलब वैसे ही कुछ नहीं मिलता था उनको, साथ में उनके ऊपर इस तरह के वो लगाए गए थे प्रतिबंध कि वो बड़े परेशान थे। तो इन्होंने पहली बार अपनी नेतागिरी जो शुरू करी, जिसको आज हम नेतागिरी कहते हैं, वो नेतागिरी नहीं थी, ये वो एक पवित्र कार्य था कि लोगों को जगाना, वो काम उन्होंने बिहार के चंपारण से शुरू किया। और धीरे धीरे वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी खराब हालत थी कि उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी। और हजारों लाखों लोग उस समय, देखिए दोस्तों, ना इंटरनेट था, ना किसी तरह का कोई मीडिया उनके पास था, ना वो कहीं किसी अखबार में ज्यादा दे सकते थे। अंग्रेजों का इतना बड़ा आतंक था कि अगर कोई पता लग जाए, जब वो चंपारण गए तो उनको रात में सोने के लिए किसी ने जगह नहीं दी, बोले यार अंग्रेज हमें मार डालेंगे कि तुमने यार ये जो है एक आंदोलनकारी नेता को जगह दे दी अपने यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें एक स्कूल में किसी ने जगह दी, और उसकी भी अगले दिन पेशी हो गई, और उसको पूछा गया, अंग्रेजों ने पूछा भाई तुमने वो जो आया वो साउथ अफ्रीका से एक नेता तुम्हारा, उसको क्यों जगह दे दी? तो उन्होंने कहा जी वो मेरे बचपन के दोस्त है, एक भला आदमी है, शरीफ आदमी है, देश के लिए कुछ कर रहा है, आपको मेरी नौकरी खत्म करनी है कर दीजिए, लेकिन मैं उसको जगह दूंगा। तो यहां से उनका जो परिवर्तन है व्यक्तित्व का वो शुरू हुआ, और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बिना इंटरनेट के, बिना रेडियो के, बिना अखबार के, लोगों को ये पता लग गया कि एक ऐसा नेता है जिसने अपनी सारी सुविधाएं छोड़ रखी हैं, जो सत्य के साथ चल रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है। हम लोग आज उनको याद करते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि ऐसी क्या बात थी। मैं यहाँ 2 साल से हूं, मुझे आधे लोग भी नहीं जानते होंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जिससे लोग मुझे पहचान सके। तो उन्होंने एक समग्र ऐसा नेता जो कि लोगों के जनमानस में उतर गया, जिसने अपने सत्य के लिए बड़े बड़े त्याग कर दिए, जिसने अपनी सारी सुविधाओं को छोड़ दिया, वो एक बैरिस्टर बन के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे, अंग्रेजों की तरह वो अपना पहनावा कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इतनी सादगी से जिए। उसके बाद आगे की भी जिंदगी का उनका ऐसा ही कुछ है कि लोग उनके ब्रह्मचर्य की जो बात थी उसके बारे में उनका एकदम अलग आइडिया था, इससे पहले ना कभी किसी ने दिया, ना इसके बाद कभी किसी ने दिया, लेकिन हम लोग क्योंकि उतनी सोच ही नहीं है हमारी तो हम उसको मजाक बन लेते हैं, ये मजाक का विषय नहीं है। उन्होंने आपको पता है 15 साल तक नमक नहीं खाया। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने विचार शुद्ध करने हैं, हमें ब्रह्मचर्य में रहना है, क्योंकि हमें कुछ करना है तो उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, वो करना है तो हमको कुछ अपना खाना चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने नमक बंद कर दिया, मीट मच्छी दारू तो कभी पीते ही नहीं थे, वो छोड़ दिया 11 साल की उम्र में उन्होंने। उसके अलावा बहुत सारे खाने की चीजें जो कि उनको लगा कि लग्जरी है और इससे हमारे दिमाग पे या हमारी सोच पे बुरा असर पड़ सकता है, वो उन्होंने वो सब छोड़ दिए। तो जब भी कोई आश्रम में उनका मित्र आता था तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी, वहां का खाना बिना नमक का, वहां का रहन सहन, 4 बजे उठना, उसके बाद ये करना वो करना, तो लोग वहां रुकते नहीं थे, और उनके आश्रम को देखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग
कई बार ऐसी कोशिश करते थे कि जब वो ना हो आश्रम में उस समय उसके उसको देख के चले जाए। तो एक बार उन्होंने कहीं जिक्र भी किया कि मेरे साथी जो है पता नहीं क्या बात है भाई मेरे सामने नहीं आना चाहते, ऐसी मैंने क्या गलती करी, और हंस पड़े उस पर। तो मतलब वो अच्छी तरह समझते थे कि हालात क्या है, लोग इतनी मुश्किल में नहीं जी सकते। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि भाई अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको भी ये करना चाहिए। हालांकि उनकी पत्नी उनसे बहुत ज्यादा एग्री नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ा व्यक्तित्व हो गया था कि वो पति से ज्यादा इस देश का एक बहुत बड़ा नेता था, एकमात्र नेता था, इसलिए उनको फॉलो करना पड़ जाता था। और उनके जो चेले जो वहां रहते थे आश्रम में जो उनको फॉलो करते थे, वो चाहे कठिन परिस्थितियों में रहे लेकिन उन्होंने किया वो सब। अब हमको यहाँ बस सिर्फ इतना सोचना है कि क्या हम भी किसी मुश्किल से गुजरने की स्थिति में हैं? क्या हम किसी सत्य के लिए, आज तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, लेकिन आज ये जरूर सोचना चाहिए जब हम इनकी जयंती के लिए यहां पर उपस्थित हुए 150 साल बाद, कि वहां एक व्यक्ति था जो चाहे जो मुश्किल आए वो सत्य बोलता था, और इसीलिए अंग्रेज हिल गए। अब उसने ये सोचा मैं अकेला हूं और मेरे साथ जनता जरूर है, लेकिन जनता के पास एजुकेशन नहीं है, जनता के पास डिटर्मिनेशन नहीं है। मेन चीज भीड़ की ये होती है, उसके पास डिटर्मिनेशन नहीं होती, उसको जहां का रास्ता मिलता उधर को चल पड़ती है। तो उसने कहा मैं कैसे इंप्रेस करूं अंग्रेजों को, अंग्रेजों के पास पुलिस है, उनके पास गोली है, बंदूक है, सब कुछ है, मैं कैसे जीतूंगा उनको। तो उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला, वो बहुत विचारशील थे, बहुत विचार मंथन करते थे। तो उन्होंने अपने अनुभव चिंतन से सारी दुनिया में एक संदेश दिया कि हम इनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम हाथों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे। आप उनसे कहिए आपकी बात गलत है, हम कुछ कह नहीं रहे लेकिन आपकी बात गलत है, हम मानेंगे नहीं, हम फॉलो नहीं करेंगे, आपको हमें मारना तो मार दीजिए। उन्हें पता है कि जलियांवाला बाग भी हुआ था 1919 में और फिर हो सकता था दोबारा। तो उन्होंने सोचा ऐसी स्थितियां लाई जाए। लोग कहते हैं यार ये भी कोई बात है कि कोई आपको मार रहा है आप उसको मारने दे। चले सत्य की राह पर जो भी कहा किया, चले सत्य की राह पर जो भी कहा किया, विश्व देखता रह गया ऐसी उम्र जिया। चले सत्य की राह पर और दो महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर दोनों महापुरुषों को शत-शत नमन करता हूँ। साथियों, जैसा कि पहले भी जो दो वक्ता यहाँ पे आए उन्होंने बताया, मेरे ख्याल से गांधी जी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना पहले कभी रहे। और मेरा ये मानना है कि जितना भी इस व्यक्तित्व को पढ़ा गया है या उसकी एनालिसिस की गई है या उसके जीवन के बारे में रिसर्च की गई है, बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व पूरी दुनिया में रहे होंगे जिनके बारे में इतना लिखा और पढ़ा गया है। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में आप जहाँ पे भी चाहिए, हर आदमी ज्ञाता है और ज्ञानी है और फ्री के हिसाब से ज्ञान बांटता रहता है, बट ये जो व्यक्तित्व है जितना भी मैंने जाना है, जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रहा होगा, कुछ भी नहीं रहा होगा जिसमें इन्होंने स्वयं पे पहले ट्राई नहीं किया। बहुत से अनेकों प्रकरण हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और उसमें निकल के आता है कि स्वयं के ऊपर पहले ट्राई किया है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एक इनकी किताब है जो उन्होंने अपना जो बचपन से लेके शायद 1920 या 21 तक जब वो पहला आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे, जब इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, उस तक का उन्होंने उसमें सारा दिया है, जो अफ्रीका में था या अपने बचपन के समय में जो उनकी आदतें थीं, जो ख़राब आदतें थीं, कैसे आदतें उनको छूटी और कैसे वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने ऊपर किए, और फिर जब वो कन्विंस थे कि हाँ ये किया जा सकता है तब उन्होंने आगे उसको लोगों को बताया। और जो संदेश उन्होंने दिए हैं
कुछ भी हो, चाहे वो अहिंसा का हो जो कर्केती साहब ने बोला कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल सामने कर दीजिए। आज के समय में शायद बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं कि क्या है यार, पिटते ही रहेंगे, अगला वाला तो समझेगा नहीं। बट जो बैकग्राउंड रहा जब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दिस वॉज अगेन एन एक्सपेरिमेंट, उससे पहले भी दुनिया रही है और मुगल और अंग्रेज सब आए, ताकत से एक दूसरे को जीता या एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करी, लड़ाई करी, देश जीते। मगर ये लड़ाई जो उन्होंने शुरू करी, ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए, और जब वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसमें कुछ में फेलियर्स हुए, कुछ में पास हुए, उसमें बदलाव लाए गए। सबसे बड़ा बदलाव जो मेरी सच में है, जो उन्होंने समझा और जिसको बहुत बखूबी उन्होंने इंडिया में फिर बाद में इम्प्लीमेंट किया, वो था जो आम आदमी है उसकी क्या लिमिट है या कहाँ तक वो पहुँच सकता है जिसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, या जिसके बाद आपका जो भी आप करना चाहते हैं उसमें उतनी ताकत या दम नहीं रहेगी, उस चीज़ को समझा। और वो सत्याग्रह के समय उन्होंने हर बार अपनाया, आप जितने भी बड़े आंदोलन हैं आप देखिएगा उसको या उसके बारे में पढ़िएगा, तो उसमें हमेशा निकल गया है कि सत्याग्रह पर बैठे हैं और एक दिन बापू ने बोला कि ख़त्म, उठ जाइए, रिकॉल कर लिया उसको, क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं पता था कि एक एक जो आम व्यक्ति है वो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, सात दिन से ज़्यादा किसी भी आंदोलन में नहीं बैठ सकता, उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं, घर है, परिवार है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके कमिटमेंट्स हैं। स्वच्छता जो आज के समय में हम लोग सब चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, उसमें हम लोग एक ऐसा सेटअप बनाएं जहाँ पे जो प्रेशर है इस वक्त हमारे संसाधनों पे या हमारी प्रकृति नेचर पे, उस पर उसका जो बुरा प्रभाव है या इम्पैक्ट है कैसे कम हो। तो मेरा आज के इस पर्व पे आप लोगों से यही आह्वान है कि अपने अपने जीवन शैली में जो भी चीज़ हम कर सकें, अपनी ताकत के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप, उसको हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम इस महान व्यक्तित्व ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं हम उसको फॉलो कर पाएँ और नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ हम सहयोग दें या अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। जो दूसरा व्यक्तित्व जिसकी हम जन्म जयंती पर हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से एक प्रोडक्ट रहे गांधी जी की विचारधारा के। अर्ली 20s में इन्होंने नेशनल मूवमेंट ज्वाइन किया, आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। एक वाक्य जो आपने बताया था कि फीएट का कार, जो मुझको जानकारी है शायद 12,000 रुपये की कार थी और 7,000 रुपये इन्होंने इकट्ठे कर पाए, 5,000 रुपये के लिए लोन अप्लाई किया और 1.5 या 2 घंटे में लोन सैंक्शन होके आ गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे तो जो बैंक के लोन सैंक्शन अधिकारी थे उनको तलब कर लिया गया और लोन सैंक्शन के बारे में ये पूछा गया कि जिस तत्परता से आपने हमारा लोन सैंक्शन किया है, क्या वह आम आदमी के लिए भी आप करते हैं। तो जितने भी एग्जांपल्स महान व्यक्तित्व खुद सेट करते हैं वो दुनिया के लिए फॉलो करने के लिए एक मिसाल बनते हैं, और मैं इन दोनों महान व्यक्तित्व को इस मौके पे अपना शत-शत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इनके जीवन के जितने भी पहलू रहे हैं हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ पिक करके अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि हमारी जो देश की समृद्धि है या देश का विकास है उसमें कहीं ना कहीं हम इसमें कंट्रीब्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।